सिंगरौली में 6000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए बदमाश पर पहले से ही कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लूट और चोरी की घटना में शामिल आरोपी सियाराम कई दिनों से फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने 6000 रुपए का इनाम घोषित किया था। बताया जा रहा है 2019 में 6 लोग डकैती डालने की योजना बना रहे थे, जहां से घेराबंदी कर मोरवा पुलिस ने 4 बदमाशों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। उनके कब्जे से 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस सहित अन्य हथियार जब्त किए गए थे। वहीं एक बदमाश सियाराम मौके से फरार हो गया था। आरोपी सियाराम चोरी के मामले समेत 11 वर्ष पुराने प्रकरण में भी स्थायी रूप से फरारी काट रहा था। ये एक शातिर चोर है जो वर्ष 2009 से फरार था। 2009 से पुलिस को नहीं मिला था। इसने 2019 में भी पिछले साल भी 2 घटनाएं की थी। इसके ये हमारे यहाँ 3 मामलों में वांटेड था। इसको अभी लामीदा से गिरफ्तार किया गया है और हमने जेल भेजा है। उसका नाम है सियाराम बशो। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।